Hello, welcome to Tea Time Tales. Namaste. Hello everyone, I hope you are connected. I can see people are slowly getting connected. Namaste, namaste, namaste. Namaste. Namaste, everyone. Hi, how is everyone? Namaskar, everyone. So today, I'm doing a special initiative with a group of school students who have started an exploratory initiative called the Caravan, the Travelers. So they have asked me to collaborate with them because, you know, they are a group of students who have initiated that they want to learn more about history, about mythology. तो हम लोग आज थोड़ा उनके questions के ऊपर मैं focus करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर आप हमारे साथ interview कीजिए, लेकिन मेरे पास time नहीं है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 से 5 बजे मैं लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो उसी समय हम लोग कर लेंगे जो कुछ करना है. Otherwise it becomes very difficult for me to manage my time. And you know, when you're locked down for a long time, it can get a little irritating sometimes. कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगा ही होगा. And you get start getting annoyed with systems, and because you feel restricted. I think it's so. There are people I can see from Toronto also. So aaj jo Carva group hai, so you know, I thought they have asked very specific questions related to, of course, general questions bhi honge, but aaj jo main focus karunga to wo thoda unki questions ko leke ek do ideas ko. To we are going to today study something very fundamental about religion. तो religion के बारे में हम आज बहुत ही detail एक system, बहुत तरीके हैं जब religion के बारे में लोग so there's Ishan Sharma from Carva and तो आज हम लोग देखेंगे कि when you're studying religion, there are many ways. अगर हम लोग जब पढ़ रहे हैं religion पढ़ रहे हैं या spirituality पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है. तो हर सोसाइटी, जब आप कोई भी सोसाइटी में जाओ, तो ये हर सोसाइटी में यू नो, जब लोग बोलेंगे कि हम इस कबीले के हैं, या वी आर फ्रॉम दिस कॉम, वी आर फ्रॉम दिस ट्राइब, वी आर फ्रॉम दिस क्लैन, वी आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी, जब कोई भी ग्रुप कम्युनिटी या ट्राइब की बात करेंगे, तो उनके पास जरूर उनका कोई आख्यान होगा, एक मिथोलॉजी होगा. और वो मिथोलॉजी दो चीजें बताएंगी, एक की दुनिया की शुरुआत कैसे हुई और दुनिया की शुरुआत खत्म कैसे होती है, और इस दुनिया में जब शुरुआत ऐसी होती है और खत्म होती है, उनकी औकात क्या है, व्हाट इज देयर वैल्यू, हाउ डू दे सर्वाइव, व्हाट इज देयर रोल इन लाइफ. तो आख्यानों का केवल यही काम है और कोई काम नहीं है. तो जैसे आजकल जब हिंदुत्व की दौर चालू है, तो जब आप हिंदुत्व के लोगों को बात करोगे, दे विल ऑफ कोर्स कंफ्यूज इट विद हिंदुइज्म, बट एक वेरी पिक्यूलियर क्वालिटी होगा. वो पिक्यूलियर क्वालिटी है कि हिंदुइज्म खतरे में है, एंड दे विल कीप टॉकिंग अबाउट खतरे में है, खतरे में है, खतरे, मतलब ये कहानी से उनको एक उनका अस्तित्व की जानकारी होती है. सो यू गिव योरसेल्फ मीनिंग थ्रू अ स्टोरी, दैट इज द की वर्ड. तो मैं हमेशा कहानी ढूंढूंगा और कहानी से आपको उनका चरित्र पता चलेगा, उनकी दुनिया को देखने का दृष्टिकोण पता चलेगा, उनके पर्पस को पता चलेगा, उनके डायरेक्शन को पता चलेगा. तो अगर आप हिस्ट्री में सर्च करोगे कि क्या हिंदुइज्म खतरे में है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू पिक अप डेटा, बिकॉज ये आइडिया बहुत ही विचित्र है, बिकॉज एवरीबडी फील्स थ्रेटेड बाय समबडी, राइट. मेन आर कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग वुमेन. तो हम एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि नारीवाद खतरे में है, विच इज वॉट द मॉडल विच इज यूज बाय सम, नॉट ऑल फेमिनिस्ट्स,
कि विमेन आर अ डेंजर ऑफ बीइंग ओवरपावर्ड बाय मेन. तो हर पॉलिटिकल मूवमेंट में वो लोग हमेशा एक खतरे का स्टोरी क्रिएट करेंगे. अगर आप शिया मुसलमान के पास जाओ तो वो हमेशा इंसाफ के बारे में करेंगे और वो करबला की स्टोरी बताएंगे कि देखिए करबला में जो अली थे उनके बेटे हुसैन को बहुत ही बुरे तरीके से लोगों ने मार दिया और दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली इन करबला. और ये पूरी जो शिया इस्लाम है वो इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ करबला एंड द सफरिंग विच दे विल रिमेंबर ड्यू इन द मंथ ऑफ मुहर्रम. तो मुहर्रम को बहुत वैल्यू देते हैं. तो शिया एंड मुहर्रम एंड करबला स्टोरी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ शिया इस्लाम. लेकिन जब आप सुन्नी को बात करेंगे तो वो हमेशा ज़्यादा रमज़ान को इम्पोर्टेंस देंगे और मोहम्मद को इम्पोर्टेंस देंगे, उनके फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. एंड दे विल टॉक अबाउट द रेवलेशन ऑफ कुरान और कुरान को वैल्यू देंगे. सो एवरी कम्युनिटी विल हैव इट्स ओन स्टोरी टू टॉक अबाउट इट. तो ऐसे ये इफ यू टॉक टू एनी वन, जैसे महाराष्ट्र में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज यूज टू बी दैट मराठीज आर थ्रेटन्ड बाय गुजरातीज एंड बाय तमिलियंस. तो May 1st जो महाराष्ट्र डे है, लोगों को पता नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट, इसको महाराष्ट्र लिबरेशन डे कहते हैं, जहाँ पे द लिबरेशन वॉज फ्रॉम होम, द लिबरेशन वॉज फ्रॉम महाराष्ट्रियंस फाइटिंग फॉर देयर राइट्स अगेंस्ट गुजराती बिजनेसमैन एंड तमिलियंस वर टेकिंग देयर जॉब्स. तो ये जो स्टोरी था बिकेम वेरी पॉपुलर इन द 1960s एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट. शिवसेना उससे बहुत पावरफुल हो गई थी और महाराष्ट्र डे वॉज एस्टैब्लिश. महाराष्ट्र में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, May 1st इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. और महाराष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे गुजराती बिजनेसमैन, गुजरात वॉन्टेड बॉम्बे टू बी पार्ट ऑफ गुजरात, इसके ऊपर बहुत लड़ाई हुई थी. इनफैक्ट सम पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. सो दीज आर पोलिटिकल मूवमेंट्स एंड दे ऑल हैव ए स्टोरी. तो एक कहानी होती है, इसको पोलिटिकल मिथोलॉजी कहते हैं. एंड आप उसको जो बिलीव करते हैं, जैसे जो भी आख्यान होगा, दे विल ऑलवेज बिलीव इन इट. सो एवरीवन विल बिलीव इन देयर ओन वे, वॉट एवर दे वॉन्ट टू बिलीव. तो इफ यू फॉलो हिंदुत्व यू विल बिलीव, यू विल गिव डेटा कि देखो हिंदुइज्म इज अंडर थ्रेट. एंड देन यू विल टेल देम यू नो वॉट, इफ यू टॉक टू द दलित पीपल दे विल टेल यू दैट दलित्स विल टेल दैट यू नो ब्राह्मिन्स ट्रीटेड अस वेरी बैडली फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. हिंदुत्व पीपल विल नॉट लिसन टू दैट. दे विल से नहीं नहीं कास्ट सिस्टम कुछ नहीं था इंडिया में, मुस्लिम्स ओनली ब्रॉड कास्ट सिस्टम टू इंडिया. सो दे विल नेवर एक्सेप्ट देयर. सो द स्टोरीज विल बी क्रिएटेड इन सच अ वे, जैसे हम लोग बिजनेस में हम लोग बोलते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, SWOT. हैव यू हर्ड ऑफ स्वॉट एनालिसिस? तो स्वॉट एनालिसिस में एक मिथोलॉजी का काम है कि वो हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बताएगा. सो एवरी रिलीजन विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. सो फॉर एग्जांपल हिंदुत्व पीपल विल हेट, एनी टाइम यू टॉक अबाउट इस्लाम दे विल हेट इट. सो हेट्रेड डिफाइंस देम. तो दैट इज अ सिंपल. लेकिन जो हिंदू पढ़ते हैं, हिंदुइज्म धर्म पढ़ेंगे, वो दे विल बी इंटरेस्टेड इन उपनिषद, रामायण, महाभारत. They will be interested in understanding, exploring आत्मज्ञान. तो आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं तो हम देखेंगे अच्छा ये हिंदू में इंटरेस्टेड है. लेकिन जो इस्लाम को हेट करेंगे, हेट्रेड जहां पे ज्यादा होगा कि वो इस्लाम इज अ थ्रेट, क्रिश्चियंस आर अ थ्रेट, तो वो हिंदुत्व की तरफ जाता है. उसको आत्मज्ञान में इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि यू कांट स्टडी आत्मज्ञान विथ हेट्रेड ना. आत्मज्ञान पढ़ते हैं तुमको हेट्रेड को त्याग करना पड़ेगा. जो आत्मज्ञान पढ़ेगा उसमें घृणा भाव, द्वेष भाव, राग भाव निकल जाएगा. लेकिन इसलिए हिंदुत्व को हिंदुइज्म पसंद नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म बोलेंगे नहीं नहीं वो आपको वीक बनाता है, इट मेक्स यू वेरी वीक, आप आत्मज्ञान मत पढ़ो, ये सब यू शुड ओनली हेट. तो हेट्रिड की एक लैंग्वेज होती है. सो मिथोलॉजी अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो एक प्रकार का होता है पॉलिटिकल मिथोलॉजी, शॉर्ट टर्म होते हैं, हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं, 100 साल के लिए होते हैं, 200 साल के लिए होते हैं, लंबे साल के नहीं होते. कुछ लंबे मिथोलॉजीज, फॉर एग्जांपल शिया इस्लाम का जो मिथोलॉजी है, इट इज ओनली फोकस्ड ऑन करबला. वो करबला और मातम के ऊपर इतना बात करेंगे और मुहर्रम के ऊपर बात करेंगे. एवरी डे व्हेनेवर दे विल मीट इन द इमाम बाड़ा, दे विल टॉक अबाउट करबला, 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 करबला. सो रिपीटेड रिमाइंडर्स ऑफ करबला में कैसे हुसैन को मारा गया था, नथिंग एल्स विल बी डिस्कस्ड. सो यू विल सी दिस पैटर्न्स अक्रॉस द वर्ल्ड. जब आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में वो हमेशा
व्हाइट सुप्रेमेसी की बात करेंगे कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज एंड द इमेज वॉज व्हाइट, इसलिए जीसस क्राइस्ट व्हाइट है, तो इसलिए जो भी बाकी जितने भी रंग होंगे वो बोलेंगे कि वो भगवान उनको इन्फीरियर बनाया है, और वो बाइबल से एक एक वर्ड निकालेंगे कि ब्लैक पीपल को इन्फीरियर बोलेंगे, ब्राउन पीपल को इन्फीरियर बोलेंगे, चाइनीज को इन्फीरियर बोलेंगे, सो यू विल फाइंड एवरीवेयर. अच्छा दक्ष, यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ टी टाइम टेल्स. हु इज दिस पर्सन हू सेइंग व्हाई इस्लाम स्टोरी चेंज द टॉपिक यार, को ना बताओ यहाँ पे, ये टी टाइम टेल्स में आई विल टॉक वॉट एवर आई वॉन्ट टू टॉक, यू प्लीज लीव, ये सब तुम लोग जाओ अपना शाखा में जाओ ना, इधर क्यों आ रहे हो, एंजॉय. वी विल टेल स्टोरीज फ्रॉम एवरी रिलीजन, सो गौरव ए प्लीज लीव, ऑल द पीपल हु आर इधर आए की क्यों बात करते, जाओ ना यहाँ से, टेंशन क्यों लेते हो, गो टू सदगुरु, गो टू अदर पीपल. 4 o'clock वी विल टॉक अबाउट ऑल मिथोलॉजीज, वी विल टॉक अबाउट इस्लाम, वी विल टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, वी विल टॉक अबाउट जैनिज्म, वी विल टॉक अबाउट बुद्धिज्म, वी विल टेल हिम. या सो ये राग और द्वेष की भावना ना हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म में, वी विल टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. सो हेट, ये राग और द्वेष थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है. सो यू सी दिस इन ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप, ये लोग रिपीटेडली, उनको हेट्रेड चाहिए, तो उनको आत्मज्ञान नहीं चाहिए. आत्मज्ञान जिसको नहीं चाहिए ना, वो हमेशा उनको वो राग गुस्सा गुस्सा, दे वांट टू हेट पीपल, दे वांट टू हेट पीपल, दे वांट टू हेट पीपल, बिकॉज देयर मिथोलॉजी हैज टोल्ड देम टू हेट. तो उनको आत्मज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, कैवल्य ज्ञान नहीं पसंद आएगा, बुद्धा पसंद नहीं आएगा, बोधिसत्व पसंद नहीं आएगा, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म में इट इज ऑल अबाउट गिव अप नेगेटिव इमोशंस, ऑफ जो मीमांस होता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस क्यों होता है, और स्टोरीज के माध्यम से वो समझाएंगे आपको, यू नो. सो एवरी पर्सन इज टॉक, वी आर टॉकिंग मोर अबाउट इमोशंस. हिस्ट्री के बारे में हम नहीं बात करते, इतिहास के बारे में नहीं बात करेंगे. तो व्हेन यू रीड अ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, व्हेन यू रीड अ जैन स्क्रिप्चर, व्हेन यू रीड अ हिंदू स्क्रिप्चर, वो इतिहास को नहीं बात करेंगे, वो इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे. एंड दैट इज वाई हिंदुत्व इज बेस्ड ऑन दिस इमेज हेट्रेड हेट्रेड हेट्रेड. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, हिंदुत्व डजंट विल, दे विल नेवर रीड हिस्ट्री. वन ऑफ द थिंग्स इज वो अपना ही इमेजिनरी हिस्ट्री में रहते हैं. तो दे हेट हिस्टोरियंस, दे विल हेट साइंटिस्ट्स, दे विल हेट डॉक्टर्स, दे विल हेट मैथमेटिशियंस. सो दिस होल वर्ल्ड ऑफ हेट्रेड इज बेस्ड ऑन इग्नोरिंग साइंस. तो विज्ञान पढ़ने के लिए आपको आत्मज्ञान की बहुत आवश्यकता है. एनीबडी वॉन्ट्स टू बी अ गुड साइंटिस्ट मस्ट नो आत्मज्ञान, बिकॉज इट इज अबाउट लुकिंग एट फैक्ट्स एंड नॉट लुकिंग एट हाउ यू वॉन्ट द फैक्ट्स टू अपियर. Because science is a very good subject. Because science will be about data, it's about facts, it's about measurement. Tum apni ichhaon ko vyakt nahi. One of the problems you find with academicians and activists is that you will always find that academicians, activists confuse their subjects with wanting to change the world. So when people ask me, Devdutt, what is the difference between religion and mythology? Religion is mythology where you believe in one God. And you believe that is religion. Religion is mythology based on one God, and therefore rules play a very important role in religion. Religion values rules a lot. So when you see Confucianism will not talk about rules, it will talk about rituals. That is why Confucianism is not a religion. So the word religion is associated with rules, with commandments, with control. It will try to control you. So all religions try to control you. That is why people who like spirituality don't like religion. People are fiercely independent people. Jo jinko unko control pasand nahi hai, wo ye religion nahi pasand karte. Religion will always talk about rules. To jaise पुराणों में हमेशा लड़ाई होती है, दक्ष प्रजापति और शिवजी के बीच में लड़ाई होती है. आपने ये कहानी सुनी होगी शिवपुराण में. और दक्ष प्रजापति विधि अनुष्ठान को वैल्यू करते हैं, विधि अनुष्ठान मतलब यज्ञ परंपरा को वैल्यू करते हैं. शिवजी कहते हैं कि यज्ञ को मत देखो, यज्ञ से तुम्हारे अंदर मीमांस इज इंपॉर्टेंट, कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आया है कि नहीं. विधि अनुष्ठान से बड़ा आत्मज्ञान है.
इसलिए शिवजी दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं। तो टेक्निकली इफ यू आस्क मी, दक्ष रिप्रेजेंट्स रिलीजन एंड शिवा रिप्रेजेंट्स विजडम, वैदिक ज्ञान। दिस इज द डिफरेंस। तो जो विधि अनुष्ठान का बात करता है, रूल्स करता है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एक्सकम्युनिकेशन और कंटिन्यूअस डिजायर टू कंट्रोल, उसको हम रिलीजन कहते हैं, विधि अनुष्ठान। तो दक्ष प्रजापति और शिवजी का जो लड़ाई है, दक्ष प्रजापति यज्ञ करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी इन हिंदुइज्म इज द स्टोरी वे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को शिवजी ध्वंस करते हैं। इमेजिन, यज्ञ परंपरा जो वैदिक काल में इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वैदिक में, शिवजी आके इस यज्ञ परंपरा को तोड़ते हैं। व्हाई डज ही डिस्ट्रॉय इट? ही सेइंग कि रूल्स के बियॉन्ड द रूल्स, आत्मज्ञान, ब्राह्मण हो रहा है कि नहीं, इज योर माइंड एक्सपैंडिंग और नॉट, द पर्पस ऑफ द रिचुअल। यज्ञ एक माध्यम है आपके चित्त को वृत्ति से मुक्त करने के लिए। ऑल द कंटॉर्शंस ऑफ योर माइंड हैज टू बी रिलीज्ड एंड योर माइंड हैज टू एक्सपैंड। इफ योर माइंड इज नॉट एक्सपैंडिंग देन इट इज नॉट यज्ञ, फिर वो यज्ञ नहीं है। तो हमेशा आप देखोगे, मैं जितने भी हिंदुत्व लोगों को देखा वो विधि अनुष्ठान को वैल्यू देते हैं, आत्मज्ञान को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दे फॉलो रिलीजन, वो वेद को फॉलो नहीं करते। वेदों में शिवजी दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करते हैं, ही डिस्ट्रॉयज द यज्ञशाला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। सो व्हेन यू हैव रूल्स, फॉर एग्जांपल इन स्कूल यू हैव रूल्स, बट द पर्पस इज नॉट टू फॉलो द रूल्स, द पर्पस इज टू स्टडी। The rules are meant to make you study. So school में हमेशा time table होगा, rules होगा, आपको सीख time में जाना पड़ेगा, एक time table होगा, exam system होगा, but that is not the purpose of the school. तो यज्ञ के rules होते हैं, लेकिन यज्ञ का purpose rule नहीं होता है। यज्ञ का purpose होता है आत्मज्ञान। जो यजमान होता है उसके has there been a transformation? क्या वो उसमें बदलाव आया है कि नहीं, उसकी जो भूख और भय की भावना से वो मुक्ति प्राप्त करता है कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हैव यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन और नॉट? सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। यू विल सी हाउ आई एम कंटिन्यूअसली गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय नेगेटिव पीपल। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। यू आर सीइंग पीपल लाइक दक्ष प्रजापति हु विल सी रूल्स रूल्स रूल्स। वन ऑफ द टेबल्स आई हैड वंस ड्रॉन इज अ 2x2 मैट्रिक्स। आई लाइक टू डू 2x2 मैट्रिक्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स। लेट मी सी इफ आई कैन रिमेंबर दैट। डू रूल्स मैटर? डू रूल्स मैटर? And is the rule an expression of the ego? तो देखो, हम लोग दो चीज बनाए हैं, एक तरफ रूल्स डाला हूं, दूसरे तरफ ईगो डाला हूं। ईगो मतलब कंट्रोल, अल्फा, मुझे तुम्हें कंट्रोल करने के लिए मैं रूल्स, का ओनली पर्पस ऑफ द रूल इज टू कंट्रोल यू। तो ताकि मैं कंट्रोल से पावरफुल बन जाऊं और तुमको मैं कंट्रोल करूं भेड़ियों के जैसे, आई विल कंट्रोल यू। सो इज रूल अबाउट कंट्रोल और इज रूल नियमों के, नियम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? व्हाई डू रूल्स एग्जिस्ट? सो व्हेन पीपल से रूल्स आर टू बी ब्रोकन एंड ऑल दैट, दे आर वेरी फुलिश पीपल बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग। व्हेन यू से स्टेटमेंट्स लाइक दिस दैट रूल शुड बी ब्रोकन, दे आर वेरी फुलिश पीपल। रूल्स एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। व्हाई डू द रूल्स एग्जिस्ट? रूल्स एग्जिस्ट, देखो प्रकृति में रूल्स नहीं होते, प्रकृति में नियम नहीं होते, संस्कृति में नियम होता है, नियम संस्कृति में यज्ञ होता है, यज्ञ में विधि अनुष्ठान होता है। लेकिन विधि अनुष्ठान का कारण क्या है इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। यस श्रीकांत, रूल्स एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द वीक। तो स्कूल में टाइम क्यों होता है, टाइम टेबल क्यों होता है स्कूल में? नॉट टू टॉर्चर यू, इट इज टू मेक द एजुकेशन सिस्टम एफिशिएंट। 100 लोग अगर आ रहे हैं, इफ द क्लासरूम डजंट स्टार्ट ऑन टाइम देन आई कांट, टीचर कांट टीच। सो देर इज अ पर्पस, देर इज अ पर्पस फॉर द रूल्स। सो वी विल नाउ
ego. So another way of looking at it is rules is about law, and then there is love. So where there is no ego, there is love. Where there is ego, there is control. So now tell me, now you have to tell me, who believes in rules but has no ego? Which is the character which is based, who makes rules for to help other people? कौन है ये हमारे कौन है हमारे शास्त्रों में जो नियम को बहुत मानते हैं लेकिन वो केवल दूसरों के भला, राज्य के भलाई के लिए, देवताओं के भलाई के लिए follows the rules? Can you tell me which is the character? Yes. So Ram is the character who says, I have rules but no ego. Who is the character who follows rules but is does it for ego, loves rules but to control? Who is this character who loves rules? Krishna doesn't like rules, that is wrong, but no ego. So who is the person who uses ego and rules to control you? He likes to control, he likes to dominate, dominating people. Batao kaun hai? Ego aayega to kaun aayega? Ego, Manu, Daksha Pandey is using Manu, not really, not quite. Story nahi hai, mereko story chahiye. Story nahi milega to mythologist doesn't work. Bhishma, warm but better. Abhi maine example de bhi diya. It is Daksha Prajapati jo yagya karta hai, lekin yagya isi liye ya Daksha ka sar kata jata hai. Ram ka opposite kaun hai? Ravan. Ravan rule follow nahi karta hai. Why? Again for ego. Shivji bhi rules follow nahi karte, lekin he doesn't care for rules only, doesn't care for rules at all, but ego bhi nahi hai. Dekho, look at this table. Shiva and Daksha Prajapati. To isliye Ravan wo samajhta hai ki Ravan is looking at Shivji and saying, Shivji bhi rule nahi follow karte, main bhi rule nahi follow karta. Shivji bhi Daksha Prajapati ke yagya ko todte hain, to main bhi yagya Prajapati ko tod sakta hu, to main tod dunga. मैं भी रूल्स नहीं फॉलो करूंगा, ऋषियों को, मेरे राक्षसों को बोलूंगा सब जो यज्ञ है इसको तोड़ दो. तो ऋषियों को जाके वो विश्वामित्र का यज्ञ को तोड़ देता है, ताटका को बोलता है कि यज्ञ तोड़ो, यज्ञ तोड़ो. वो ही कीप्स ट्रबलिंग ऑल द ऋषिज. बट शिवजी सिंह, भैया तुम किसके लिए यज्ञ तोड़ रहे हो? ईगो को पहले तोड़ो, यज्ञ को तोड़ने के पहले. सो दिस कॉन्सेप्ट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली. दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. Where does Brahma come? इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, because Brahma and दक्ष प्रजापति are connected to each other. When विधि अनुष्ठान is done to indulge the ego, जब विधि अनुष्ठान से आपके अहंकार को आहुति मिलता है, फिर यज्ञ सफल नहीं हुआ. यज्ञ का सबसे बड़ा बलि क्या होता है? यज्ञ का सबसे बड़ा बलि होता है, यज्ञ का सबसे बड़ा बलि होता है आपका अहंकार. जब तक अहंकार का बलि नहीं होगा, तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. नाउ द सेम थिंग, हाउ डू यू एक्सप्लेन इन इस्लाम? ये सेम आइडिया को कहां पे आता है बताओ? हाउ विल यू एक्सप्लेन इस्लाम यूजिंग दीज टू एक्सीज? Where is there control, love, law and no law? तो जब हम law की बात करते हैं तो rule, 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 you will see the Sunni Islam plays a lot of importance to law. But the moment you talk about love, 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 you will find it in Sufism. तो जो सूफीज्म 12th सेंचुरी, कहां पे सूफीज्म की शुरुआत हुई? सूफीज्म की शुरुआत होती है ईरान में विद रूमी, और इट इज 12th सेंचुरी. तो इस्लाम की शुरुआत होती है 7th सेंचुरी से.
मतलब 1400 साल पहले, लेकिन 800 साल पहले ईरान से सूफी परंपरा की शुरुआत होती है। और जो सूफी परंपरा शुरुआत होती है, सूफी परंपरा की शुरुआत होती है रफली अराउंड 12th सेंचुरी, और वहां पे प्रेम की बातें बहुत होती है, लव एंड लॉ, एंड देयरफॉर दिस टेंशन बिटवीन लव एंड लॉ इज वेरी बिग। द इस्लाम दैट केम टू इंडिया इज मोर सूफी लाइक। तो सूफीज्म और सुन्नियों के बीच में बहुत टेंशन होता है, हमेशा होता है टेंशन, वेरी 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 वेरी, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ, यस, सो यू विल ऑलवेज फाइंड दिस इश्यू बिटवीन, सो यू विल फाइंड दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट बिटवीन टेंशन, एंड इट इज नॉट सो सिंपल, इट इज नॉट वेरी सिंपल। वहां पे भी दक्ष प्रजापति और शिव जी का जैसा टेंशन होता है वैसे ही होता है, एंड दैट वे यू विल फाइंड इट एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, दक्ष प्रजापति विल बिलीव इन अनटचेबिलिटी, कि वो दलितों को बोलेगा कि यज्ञशाला से बाहर जाओ। सो ऑलवेज रिमेंबर, मोस्ट हिंदुत्व पीपल बिलीव इन अनटचेबिलिटी, दे जेन्युइनली बिलीव इन अनटचेबिलिटी। If you feel, believe in Atmagyan, you will not believe in untouchability. You will not believe in all that nonsense. Most Hindutva people will feel women are inferior. Most 99% of people who follow Hindutva feel women should be in the kitchen. So they will keep these औरतों को किचन में रखो and उनको घर में रहने दो. So you'll find this the same thing in Islam. You'll find similar ideas, similar concepts. So different kinds of schools exist, different kinds of schools exist, right? So now comes, just as we saw that there is a lot of when you start studying this thing, now let us see how one structure to understand in India, like Buddhism, became important. But Buddhism, again, it becomes, what is the biggest thing which is missing in Buddhism? Tell me, people love Buddhism a lot, but can you tell me one thing which is missing in Buddhism, which is one of the reasons, there are two, three things, but one of the biggest things that is missing in Buddhism? Buddhism becomes famous, but now finished, we have finished the chapter about Dakshin. Now I'm going to talk about Buddhism. Let us understand Buddhism. Not the concept, these are intellectual ideas. Think from a common man perspective. Common man को Buddhism में एक चीज मिला नहीं, क्या नहीं मिला Buddhism में? ये intellectual है, people are talking about concept of Atma, they are intellectuals. These are about textbook reading. Forget textbook. Think like a common man. जब आप बुद्ध की मूर्ति देखते हो, if you go to Ellora, if you go to Ajanta, when you see the statues of Buddha, आप म्यूजियम में जाओ, बुद्ध की मूर्ति देखो, मार्केट में जाके बोलो कि I want a statue of Buddha. What is the one difference that you see? God, not a good answer. Some people are saying God. Devotion, no. Mahayana Buddhism में devotion है. पुरानी Buddhism, जो थेरवाद बुद्धिज्म है, जो बर्मा में मिलता है, जो श्रीलंका में मिलता है, जो थाईलैंड में मिलता है, उस कंबोडिया में जो बुद्धिज्म मिलता है, वहां पे ज्यादातर ध्यान को वैल्यू दिया जाता है। लेकिन महायान बुद्धिज्म जो जापान में फैला, वहां पे भक्ति को वैल्यू दिया जाता था। अवति लोकेश्वरा को पूजा करो, अमिताभ बुद्धा को पूजा करो, ध्यानी बुद्धा को पूजा करो, एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, नहीं 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 नहीं, all big words, very nice. Aditya Narayan Nanda has got it. Love, bhog, prem. There is no concept of love. You will rasa. There is no rasa. There is no bhava. This is the big thing in Hinduism, which is different. You don't find it in Jainism. You don't find it in Buddhism. देखिए, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म, दे वर मोस्टली मोनेस्टिक, तो श्रवक, साधका, साधु, साध्वी, श्रमण, वो लोग ज्यादातर उसको मोनेस्टिक प्रैक्टिसेस, तो भिक्षुओं के ऊपर होता था। शादी की बात नहीं कर रहा हूं, शादी कैन बी वेरी फॉर्मल एंड रिजिड। दिस इज लव, रस, प्रेम, प्रेम,
राधा कृष्ण की मूर्ति देखिए, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, द लव, राधा एंड कृष्ण आर नॉट एसोसिएटेड विद मैरिज, राम एंड सीता आर एसोसिएटेड विद मैरिज. हम उनको रोमांटिक नहीं समझते हैं, राम और सीता को. हम जब शिव और शक्ति की बात करते हैं, हम रोमांस की बात ज्यादा नहीं करते. हम रोमांस हमेशा श्री कृष्ण और राधा के साथ जोड़ते हैं, और राधा और कृष्ण का रिलेशनशिप इज नॉट बेस्ड ऑन मैरिज. हम लोग कोई नहीं बोलेगा कि हम लोग कृष्ण को मिसेस कृष्ण नहीं बोलेंगे, लेकिन सीता इज मिसेस राम, पार्वती इज मिसेस शिवा. तो शिव शक्ति का एक शादी का रिलेशनशिप होता है, राम सीता का शादी का रिलेशनशिप होता है. लेकिन जब हम कृष्ण की बात करते, प्रेम रस भोग विलास, इसलिए जगन्नाथ पूर्ति में जब हम बात करते हैं मंदिर, वहां पे भोग और विलास, ये भोग और विलास को जो वैल्यू दिया जाता है, भोग वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए भोग चढ़ाते हैं देवताओं को, अन्न, वी विल प्रोवाइड फूड, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस गिवन टू फूड. सो गॉड इज नॉट इंपॉर्टेंट इन रिलीजन. बुद्धिज्म डज नॉट हैव गॉड, वैदिक परंपरा डज नॉट हैव गॉड, वैदिक परंपरा में भगवान नहीं है. तो गॉड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिलीजन. चाइनीज रिलीजन हैज नो गॉड, ताओइज्म में गॉड नहीं है, कन्फ्यूशियज्म में नहीं है, जैनिज्म में नहीं है, बुद्धिज्म में नहीं है, वेदिज्म में नहीं है. भगवान इज नॉट एन इंपॉर्टेंट, भगवान कॉन्सेप्ट इस्लाम में इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियनिटी में इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में भक्ति परंपरा में इंपॉर्टेंट है. लेकिन इसको छोड़ के कई प्रैक्टिसेस हैं जहां पे भगवान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. तो भगवान ऑल पावर, दिस वर्ड ओमनी प्रेजेंट, ओमनी क्या है, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट. तो ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये सब आइडियाज, सब ये क्रिश्चियन आइडियाज हैं, इस्लामिक आइडियाज हैं, हिंदू आइडियाज नहीं है. सो बुद्धा, सो लुक एट दिस, सविनय सविता इज क्लियरली बुद्धिस्ट, इज अ हिंदुत्व पर्सन, बिकॉज शी हेट्स बुद्धा. बुद्धा क्वेस्ट वॉज ऑफ सेडेटिव्स. वाई आर यू इंसल्टिंग पीपल विदाउट अंडरस्टैंडिंग? तुम, यू विल हैव नो इंपैक्ट लाइक बुद्धा इन द वर्ल्ड. सविता, तुम लोग, यू नो, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देवदत्त पट्टनायक वोंट हैव दिस इंपैक्ट, कि दीज पीपल चेंज द वर्ल्ड. सो इतना भी घमंड मत करो कि तुम अपने आप को बुद्ध से बड़े मानने लगे, मोहम्मद से अपने आप को मानने लगे, शिवजी से अपने आप को बड़ा मानने लगे, इतना घमंड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ डू यू, सो आई विल गिव यू अ मॉडल टू अंडरस्टैंड रिलीजन, अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंड. तो यू नो, व्हेन यू हैव स्टडीड इन स्कूल एंड कॉलेज, हैव यू हर्ड ऑफ अ स्ट्रेस रिफ्लेक्स? स्ट्रेस, व्हेनेवर आपके अगर आगे, अगर आपके आगे एक शेर आ गया तो क्या होता है बताओ? शेर, व्हाट डू यू डू? व्हेन अ टाइगर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट आर द थ्री पॉसिबल रिएक्शंस यू विल हैव? व्हाट आर द थ्री पॉसिबल रिएक्शंस यू विल हैव? Run. One person said run. But there is a tenth classical way to understand. When you are, आपके आगे कोई शेर आ गया या आपके आगे कोई प्रॉब्लम आता है, तो there are three possible reactions that you can do have. Which are the three? Flight and fight, Srikant. That's true. But there's something, the third one क्या है? Fight, flight, and what is the third? Third क्या है? Fight, flight, run is flight, and fight, flight and fright. Third क्या है? One is flight, to run away. One is to fight. The third is what? Freeze. Neha Kumari is right. Reha Kumari has got it right. It is freeze. तीन चीज है, flight, fight and freeze. So every religion will have these three qualities. You have to look at a religion and say, is it trying to fight the problem? Is it trying to withdraw from the problem? Or is it trying to just stay and hope someone else will solve the problem? To flight matlab dar bhagna, fight matlab ladna, aur freeze matlab shanti se ruk ke kisi aur ko bolna ki aap problem solve kar do. तो जब हम मिस्टिसिज्म, व्हेन वी यूज द वर्ड मिस्टिसिज्म,
सो बुद्धा ने कहा द वर्ल्ड इज सफरिंग, पूरी दुनिया, आप जहां जीवन है वहां दुख है. दुख का कारण क्या है? दुख का कारण डिजायर है. देयर इज डिजायर, आई डिजायर. तो बाइक माय बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इटसेल्फ, कि वो मुझे कंटिन्यूसली टेम्प्ट कर रहा है, मुझे राग और द्वेष की तरफ लेके जा रहा है और दर्द देता है, मुझे बहुत दुख देता है. तो मैं क्या करूं? तो फर्स्ट मेथड बुद्धिज्म ने कहा कि मैं तो मतलब इफ इमेजिन इफ लाइफ योर एंटायर लाइफ वॉज अ टाइगर जो आपको दुख दे रहा है. If your life was a tiger giving you suffering, रोज आपको तकलीफ, आपकी जिंदगी आपको तकलीफ दे रही है, what will you do? Will you run away? Will you fight life? Or will you freeze? तो जिंदगी जब आपको तकलीफ देती है, तो बुद्ध ने कहा the first thing to do is you have to control your desires. तो उन्होंने कहा कि अपने कामनाओं और आपकी इच्छाओं को काबू में करो. आउटग्रो योर डिजायर, आपके भूख. सो यू हैव टू मेडिटेट, एंड व्हेन यू आर मेडिटेटिंग यू ऑब्जर्व हाउ योर बॉडी इज कंटिन्यूअसली गेटिंग स्टिम्यूलेटेड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड, और धीरे धीरे करके आप उससे स्टिम्यूलस को मत एक्सेप्ट करो. डोंट एक्सेप्ट स्टिम्यूलस, कि वो स्टिम्यूलस आता रहेगा लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है. So he starts withdrawing from the world. इसलिए इसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग. It is a withdrawal from the world. और कहता है कि आप शून्य की तरफ जाओ. So he moves towards निर्वाण, शून्य. This is called withdrawing from the world. इसको हम कहेंगे the flight response. Flight response, which is mysticism. इसको मिस्टिसिज्म कहेंगे, और बुद्धिज्म में ये ओल्ड स्कूल या थेरवाद बुद्धिज्म कहेंगे इसको. थेरवाद बुद्धिज्म कि देखो शांति से बैठो एंड विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड. थेरवाद बुद्धिज्म, लेकिन ये सबके लिए सूटेबल नहीं था. दिस वाज नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन. तो लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, एवरीबडी कैन नॉट विड्रॉ. दे सेड, फिर कहा कि बुद्धा ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, हमको छोड़ के कैसे वो निर्वाण प्राप्ति करने के बाद हमको कौन बचाएगा. सो लोगों ने सेवियर ढूंढा कि कोई हमारा रखवाला हो, हमारा कोई संकट मोचन हो, कोई हमारी बात सुने, कुछ तो करुणा होना चाहिए. तो दे स्टार्टेड प्रेइंग टू बुद्धा एंड से कि आप में करुणा भाव होना चाहिए. सो दे स्टार्टेड सेइंग फ्रीज एंड दे स्टार्टेड टू प्रे, विच इज कॉल्ड द डिवोशनल मूवमेंट. तो महायान बुद्धिज्म में हम बुद्ध को पूजा, हम बुद्ध को फॉलो नहीं करते, हम बुद्ध को प्रे, वी वर्शिप हिम, वी वेनरेट हिम. सो सी द डिफरेंस. फ्लाइट एंड फ्रीज. लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वी हैव टू फेस our problems, we have to deal with our problems and fight it and deal with it. And therefore when you read, go to Vajrayana Buddhism, which is Tibetan Buddhism, in Vajrayana Buddhism, which is also called Tantric Buddhism, they will say ki apne bhay se nahi darna chahiye, uske upar tumhe kabu karna hai. Therefore when you go to Tibet, the gods images are very fierce and frightening. To jo Vajrayana Buddhism hai, वो वज्रयान में फाइट मेथड होता है, जहां आप डरो मत. सो दिस इज द थर्ड फॉर्म, ओकल्ट जिसको कहते हैं, जहां पे यहां पे द सडनली यू हैव फॉर्म्स लाइक हिरुका, वज्र योगिनी, वज्रपाणी. तो ये जो भाषा है बहुत ही वीरों की भाषा है. इट इज अ वेरी फेरोशियस लैंग्वेज. So it's a very different form. And this thing, ki jo fight wali hai, wo Vajrayana mein milega, which is found in Tibet, and it is about 10th century, 1000 saal pehle. Jo freeze wali hai, jo bhakti wali Buddhism hai, Mahayana Buddhism, jo 1500 saal pehle shuru hui thi, ye China aur Japan mein bahut famous ho gaya. Tang dynasty took it to China and Japan, and that is related to devotion.
एंड जो मिस्टिकल बुद्धिज्म है, जो विड्रॉल निवृत्ति मार्ग जिसको कहते हैं, निवृत्ति मार्ग वाली थेरवाद बुद्धिज्म जो 2,500 साल पुरानी है, विच इज फाउंड इन श्रीलंका एंड थाईलैंड. सी सिंपल वे टू रिमेंबर ऑल द थ्री, फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज. नाउ यही बात तो भारत में जब हम शिवजी की बात करते हैं, शिवजी और बुद्धिज्म में बहुत कोरिलेशन है. देयर इज अ लॉट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बुद्धा एंड शिवा एंड पीपल डोंट रियलाइज इट, द रिलेशनशिप बिटवीन बुद्धा एंड शिवा. सो लेट अस सी द कॉम्बिनेशन. यही फ्लाइट फाइट फ्रीज. शिवजी के तीन रूप बोलो, फ्लाइट फाइट एंड फ्रीज. शिवजी जब, सॉरी आई विल फर्स्ट यूज फाइट देन आई विल यूज फ्लाइट. जब वो विड्रॉ करते हैं, अंदर के तरफ जाते हैं, निवृत्ति मार्ग करते हैं, तब हम उनका कौन सा रूप कहते हैं उसको, शिवजी का शिवलिंग का रूप जो होता है वो है निवृत्ति का रूप. जब वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया को छोड़ के अपने अंदर चला जाता हूं, तो जो शिवलिंग होता है हम बोलते हैं कि शिवजी अंदर चले गए, उन्होंने आंखें बंद करके दुनिया को ठंडा कर दिया और दुनिया का सब अग्नि अपने अंदर उसको बांध के रखा हुआ है. तो वो शिवलिंग के रूप में, शिवलिंग का रूप है मतलब निर्गुण बनना, फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्मलेस, जो साकार दुनिया से निराकार की दुनिया के तरफ, शून्य के तरफ, निर्वाण की तरफ, जहां अस्तित्व नहीं होता है. सो दिस इज वेरी सिमिलर टू बुद्धिस्ट मोनास्टिसिज्म, विच इज शिव बनते हैं. लेकिन फिर जब वो कहते हैं कि मुझे वी हैव टू, व्हेन यू से दैट, नहीं नहीं शिवजी आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप हमारा, हम शिवजी की जब पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं कि शिवजी आप आके असुरों को मार डालो, फिर हम शिव की पूजा नहीं करते, हम शंकर की पूजा करते हैं. और जब हम युद्ध करते हैं कि नहीं, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ लाइफ, वी हैव टू फाइट लाइफ, फिर हम भैरव की पूजा करते हैं, भैरव. इसलिए भैरव तांत्रिक रूप होता है. तो देखिए कितना सिमिलैरिटी है, आई विल शो इट टू यू ऑल, बिटवीन बुद्धिज्म एंड शैविज्म. देखिए जब आप बोधिसत्व की पूजा करते हो, अवति लोकेश्वरा की पूजा करते हो, इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू शंकर. इसलिए जो अवति लोकेश्वर है वो हमेशा तारा के साथ होता है, वैसे ही शिव और शक्ति हमेशा साथ में होते हैं. लेकिन जब आप प्योर बुद्धिज्म, तो ओल्ड बुद्धिज्म, जो श्रीलंका वाली बुद्धिज्म में पूजा करोगे, तब हम शिवजी को अघोरी रूप में शिव साधना करते हुए देखेंगे, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर अकेले शिव साधना कर रहे हैं. और लेकिन जब वो भयानक रूप में कन्फ्रंटेशनल होते हैं, जैसे तांत्रिक बुद्धिज्म में हम वज्र योगिनी को देखते हैं, या वज्रपाणी को देखते हैं, या हेरुका को देखते हैं, तब शिवजी भैरव का रूप लेते हैं और भैरवी के साथ नाचते हैं, तांडव करते हैं. तो ये रिलेशनशिप आप देखोगे, शिव शंकर भैरव, थ्री फॉर्म्स. शिव इज इक्वल, वेरी सिमिलर टू, नॉट इक्वल, इट कैन नॉट बी इक्वल, प्लीज रिमेंबर, डिफरेंस बहुत है. लेकिन शिव हम हमेशा बोलेंगे बुद्ध के साथ जोड़ेंगे, शंकर को हम बोधिसत्व के साथ जोड़ेंगे, और भैरव को हम हेरुका के साथ जोड़ेंगे. हेरुका, हेरुका को गूगल करिए, उनका मूर्ति देखिए, बहुत ही भयानक रूप होता है, वज्रपाणी का रूप होता है. सो यू सडनली सी, तो ये व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड रिलीजन इन अ वेरी सिंपल वे, यू मस्ट अंडरस्टैंड फाइट फ्लाइट फ्रीज. ये मॉडल सबसे पावरफुल है. So you will understand everything, all philosophies, when you study fight, flight and freeze. It's very, very simple model. So today we saw two models. मैंने आपको दो model के ऊपर focus किया हूँ मैं. आज एक model था जहाँ पे हमने ego और rules के बारे में, that means love and law के बारे में बात किया. I showed you how Hindutva is focusing on law, doesn't care for love. There is no love, there is only law.
There is no love, there is no rasa, there is no bhoga, there is no atmagyan, there is no interest in atmagyan. It's only ahankar, atma, hatred, hatred, hatred and control, control, control. Hatred, 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 control, control, control. Wo hindutva ka raha hai. It is maybe their karma. It is their karma, maybe next life they will learn. Our karmas are different. My karma is very different. My karma is atmagyan. Somebody's karma is hatred, you know. We can't do anything about it. You know, people are must be allowed to be cockroaches. It is their right to be a cockroach and we must support them. But I prefer that swans come to my sessions and listen because I like Atmagyan. Mujhe achha lagta hai. Wo mere life ke problems solve kiye hain. So we have to understand the difference between Ravan, Daksha, Ram and Shiv. So one simple way to understand Daksha और शिव के बीच में कॉन्फ्रेंटेशन क्यों होता है, क्योंकि दक्ष को आत्मज्ञान नहीं है और शिव शक्ति आती है उन्हें प्रेम सिखाने के लिए. प्रेम एज अ कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन बुद्धिज्म. यू डोंट फाइंड इट इन बुद्धिज्म. देन आई टोल्ड यू द सेकेंड मॉडल विच आई टोल्ड यू टूडे वॉज अबाउट द फ्लाइट फ्रीज मॉडल. The fight, flight, freeze. Now, this shows similarity between Buddhism, Vajrapani, and how the Shiv Shankar Bhairav is related to the concept of Buddha, Bodhisattva, and Heruka. So, I'll put this on 1 minute mythology, Gulshan Singh. That's a good idea. Knowledge is infinite. Even if I talk forever, you will not get it. Ananta hai ye knowledge. If it makes you happy, then it is Hinduism. If it makes you unhappy, it is Hindutva. Simple rule. So, जहाँ पे आपको उत्तेजित नहीं होते हो, वहाँ पे आप Hinduism के अंदर आए हो. जहाँ शांत और प्रेम मिलता है, वो है Hinduism. जहाँ पे गुस्सा, घृणा होती है, वो Hindutva है. रहने दो. जो इसका कर्म है, वो करने दो. Namaskar. See you tomorrow. Today was a Sunday session. Karma people, I tried to touch about goddesses. I spoke a little bit about Vajrayan. I couldn't touch all topics. So I hope you enjoyed it. Kal isi samay 4 baje hum baat karenge. We already, I think, on the 43rd or 44th day of the lockdown. Pata nahi kitna din chalega. So dekhiye, coronavirus ki krupa se hume kuch chai ki charcha kar rahe hain. Namaskar. See you tomorrow. Bye bye.